नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आयुर हर्बल शैम्पू और डव शैम्पू का रिव्यू, और ये शैम्पू कैसा असर दिखाता है आपके बालों पर, कैसे काम करता है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आज के इस वीडियो की। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सो गाइस, इस वक्त आप मेरे हाथ में यहाँ पर देख सकते हो आयुर हर्बल शैम्पू आंवला एंड शिकाकाई विद रीटा फॉर नॉर्मल हेयर। ये शैम्पू नॉर्मल बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा कंडीशन भी करता है आपके बालों को, तो ये बात बिल्कुल सही है गाइस। इसमें आपको कंडीशनर वगैरह अलग से लगाने की जरूरत नहीं होगी इस शैम्पू के साथ, तो इसमें कंडीशनर भी दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी चीज लगी है मुझे इस शैम्पू में। आपके पीएच लेवल को भी ये बैलेंस करता है बालों के, और तो ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है गाइस। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, क्या क्या इन्ग्रीडियंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं आप देख सकते हो देखिए। और प्राइस की अगर मैं यहां पर बात करूं, सो गाइस ये 150 रुपीस में आपको 500 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि इतने ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस पर आपको 500 ml का शैम्पू मिल रहा है। ये देखिए, इसकी जो नेट क्वांटिटी है आप देख सकते हो, 500 ml शैम्पू मिल जाता है आपको इसमें। बॉटल इसकी काफी अच्छी है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो ये ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है, ये देखिए। और इस शैम्पू को गाइस मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, जैसे कि मैं पहले जब 8th या 9th में थी बचपन में भी मैं इस शैम्पू को मतलब यूज कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा शैम्पू है, ऑयली बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और पैकेजिंग आप देख सकते हो गाइस, इसकी ग्रीन कलर की लिड है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है। और जैसा आपको ये शैम्पू ग्रे कलर में कुछ नजर आ रहा है, तो ये ग्रे कलर का ही शैम्पू है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो आपको इसलिए शैम्पू भी नजर आ रहा है। और आप देख सकते हो, अगर आप अपने बालों के लिए कोई हर्बल शैम्पू ढूंढ रहे हैं गाइस, तो उसके लिए ये शैम्पू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप इस शैम्पू को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं तो प्लीज गाइस इस शैम्पू को बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये शैम्पू आपके बालों को वरना और ज्यादा ड्राई बना देगा। तो मैं ड्राई हेयर के लिए इस शैम्पू को सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ऑयली बालों के लिए ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है, तो ट्राई कर सकते हो गाइस। और अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि ये शैम्पू आपके बालों को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है, तो आप क्या कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारा ऑयल अपने बालों में लगाया हुआ है, और अच्छे से मैंने ऑयल को स्कैल्प में भी लगाया, अपने बालों में अच्छे से लगाकर ओवरनाइट इसे लगा रहने दिया है, या फिर आप 1 से 2 घंटे भी लगा सकते हो शैम्पू करने से पहले। ऑयल को अपने बालों में लगा सकते हो आप अच्छे से, और उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। इससे आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होंगे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है इस शैम्पू को इस्तेमाल करने के लिए, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा गाइस। वैसे भी मैं जब भी कोई शैम्पू करती हूँ या अपने बालों को वॉश करती हूँ, तो मैं ऑयल जरूर लगाती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं मसाज जरूर करती हूँ अपने बालों की, तो उससे भी बहुत अच्छी एक चमक आती है आपके बालों में, और बालों में स्मूथनेस भी बढ़ती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस शैम्पू में आंवला और शिकाकाई यूज किया गया है। आंवला हमारे बालों से रूसी को दूर करने में हेल्प करता है, और शिकाकाई हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा बनाता है। आंवला हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है और स्किन के लिए भी अच्छा होता है, तो दोनों ही चीजें बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी गर्मियां आ चुकी हैं, और गर्मियों में धूल मिट्टी के कारण हमारी स्कैल्प में बहुत ज्यादा गंदगी जमा होने लगती है, पसीने की स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो चिपचिपे बन जाते हैं। तो ऐसे में इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ये शैम्पू बहुत ही बेस्ट है, अच्छा शैम्पू है। आप इसे समर्स में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि विंटर्स में आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, तो ऐसे में आप इस शैम्पू को विंटर्स में तो मैं इसे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, वरना ये आपके बालों को और ज्यादा ड्राई बना देगा। लेकिन हाँ, ऑयली हेयर के लिए ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है। और इस शैम्पू की गाइस मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, वो ये कि ये शैम्पू बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके बालों को अच्छे से वॉश कर देता है, अच्छे से साफ कर देता है, गंदगी सारी अच्छे से निकाल देता है। आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस शैम्पू को लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में ये आपके बालों की जो गंदगी है वो अच्छे से निकाल देगा, एक ही बार काफी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने बालों में अच्छे से ऑयल लगा चुकी हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो। और मैं अब 1 से 2 घंटे तक बालों में ऑयल को लगाकर रखूंगी, और उसके बाद मैं अपने बालों में शैम्पू करूंगी, और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी इस शैम्पू का। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब बात कर लेते हैं डव शैम्पू की। डव शैम्पू मुझे सभी तरह के बालों के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी भाभी भी ये इस्तेमाल करती है, और ये शैम्पू भी काफी अच्छा है। मैं भी इसे पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसमें और भी आपको शायद फ्लेवर मिल जाएंगे, एक शायद ग्रीन कलर में भी आता है, तो वो शैम्पू भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और छोटे बालों के लिए एक छोटा सैशे जो होता है, छोटा पाउच काफी होगा, और बड़े बालों के लिए यानी कि जितने मेरे बाल हैं, तो मुझे 2 शैम्पू के पाउच लगते हैं ये वाले, तो ये भी काफी अच्छा शैम्पू है सभी तरह के बालों के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही परफेक्ट शैम्पू है, और आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाता है, ड्राई नहीं बनाता
आता है, जैसे कि आयुर हर्बल ड्राई बना देता है आपके बालों को, थोड़ा रफ बना देता है, लेकिन ये शैम्पू ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता है। ये शैम्पू आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाता है। और आपने देखा भी होगा गाइस, जब भी मैं हिना अप्लाई करने के बाद, कोई भी शैम्पू करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, तो वो इसी शैम्पू का भी कमाल होता है। तो इस शैम्पू का भी आप बेचे शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख सकते हो, ये क्यूट सा डव शैम्पू का सैशे है मेरे हाथ में। आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर के पाउच में आता है। इस तरीके से सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, सभी चीजें मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हो। और इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाती है 5.5 ml की शैम्पू की जो क्वांटिटी है। और ये इसका जो प्राइस है आप देख सकते हो, ये 2 रुपए में आपको मिल जाता है, ओनली 2 रुपीज में मिल जाएगा आपको। और गाइस प्लीज, आपको जो नॉइज आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा, हमारे घर के सामने दोबारा से कोई और लोग जो है वो मकान बनाने के लिए आए हैं, तो गाइस प्लीज इग्नोर कीजिएगा नॉइज को। तो सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। डल हेयर के लिए ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है। और गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि गर्मियों में हमारे बालों में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है, बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं बाल, बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो ऐसे में ये शैम्पू भी बेस्ट है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। और इसे आप समर्स हो या विंटर्स हो, आप दोनों ही मौसम में इसे ट्राई कर सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छा शैम्पू है। आयुर हर्बल शैम्पू की जो मैं यहाँ पर बात कर रही थी, उसे आप गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा। ऑयली हेयर के लिए वो शैम्पू बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये जो शैम्पू है ये डल हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है गाइस, ये सभी तरह के हेयर के लिए परफेक्ट शैम्पू है। अगर आप कोई नया शैम्पू ट्राई करना चाहते हैं तो ये शैम्पू काफी बेस्ट है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। आपके बालों को ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, ड्राई नहीं होने देता है, मॉइस्चराइज करता है आपके बालों को। और बहुत ही अच्छा शैम्पू है, बालों को सॉफ्ट और स्मूथ और शाइनी भी बनाता है। तो गाइस, अगर आपके बालों में बिल्कुल जान नहीं है, मतलब बेचैन हो गई है और चमक नहीं है, तो ऐसे में आप इस शैम्पू को ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो। और बालों से गंदगी भी ये शैम्पू बहुत अच्छे से निकालता है। जितनी भी आपके बालों में इम्प्योरिटीज होती है, यानी कि गंदगी जमा होती है आपके स्कैल्प में, आपके रूट्स में, उसे भी ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है। बहुत ही अच्छा शैम्पू है। और हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने डव की बॉटल क्यों नहीं दिखाई है, शैम्पू की जो बॉटल आती है। तो गाइस, मुझे अभी वो बॉटल नहीं मिली थी और ये जो मक्खियां मुझे परेशान कर रही है, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। धीरे धीरे सब बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मक्खियां आ गई थी अंदर, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। इसकी जो बॉटल है वो मुझे नहीं मिली थी, और मैं ज्यादातर सैशे ही खरीदती हूँ, इस तरीके के पाउच ही खरीदती हूँ। 2 पाउच मेरे बालों के लिए काफी होते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, मैंने ऑयल लगाने के बाद अपने बालों को वॉश किया था। और आप देख सकते हो थोड़ा सा ड्राई बनाता है ये मेरे बालों को, और हो सकता है गाइस ये आपके बालों को सूट कर जाए, क्योंकि आयुर हर्बल शैम्पू आपके बालों को जब ड्राई बनाता है ना, तो ये एक डिपेंड करता है कि सभी के जो बालों का टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है, सभी के बाल अलग अलग टाइप के होते हैं, सभी की स्किन अलग टाइप की होती है, तो इसी तरह से हो सकता है ये शैम्पू आपको सूट कर जाए और मे बी ये सूट ना करे। तो ऐसे में आप बालों के टेक्स्चर को ध्यान में रखते हुए ही शैम्पू को चूज करें। और आप देख सकते हो दोस्तों कि इसने शाइन भी प्रोवाइड की है मेरे बालों को, शाइन भी दी है, आप देख सकते हो ये देखिए। लेकिन स्मूथ नहीं बनाता है ये बालों को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसने, जैसे कि डव शैम्पू हमारे बालों को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, तो उस तरह से इसने मेरे स्मूथनेस नहीं दी है बालों को, और इसलिए मुझे ये शैम्पू जो है बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं लगा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये आयुर हर्बल शैम्पू और डव शैम्पू का रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।